है गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन में। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3.1 बिल्कुल हिंदी मीडियम में। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, अभी एज का तो इतना क्लियर ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है अवयव की कोटि, दूसरा है अवयव की संख्या, तीसरा है अवयव ये 13 21 33 24 ये 23 का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें रो कितना है और कलम कितना है। तो रो की संख्या है 3 और कलम की संख्या है 4। 1, 2, 3, 4 कलम है तो इसका कोटि हो जाएगा 3 × 4। दो नंबर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो इसका कोटि होता है उसको गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या निकल जाता है। 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 × 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो अवयव ये 13 दिया है ये 13 का मतलब होगा क्या। ये 13 यानी जो फर्स्ट होता है आई का मान होता है और बाद वाला जे का मान होता है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कलम। आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कलम, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कलम, फर्स्ट रो का तीसरा कलम, फर्स्ट रो ये है और तीसरा कलम ये है, यानी कि 19 है तो फर्स्ट रो का तीसरा कलम 19 हो जाएगा। 13 का मान 19 हो जाएगा। उसी प्रकार निकालना है ए 21 का मान। इसमें जो क्या है पहले 2 है उसके बाद 1 है, यानी 2 का मतलब है कि सेकेंड रो का पहला कलम, सेकेंड रो का पहला कलम क्या है 35 है तो इसका हो जाएगा 35। उसी तरह से निकालना है ये 33 का मान, तो इसमें तीसरा रो और तीसरा कलम, तो तीसरा रो ये है और तीसरा कलम ये है, तो तीसरा रो का तीसरा कलम क्या हो रहा है -5 हो रहा है। अगला है ये 24, यानी कि इसका मतलब है कि दूसरा रो और चौथा कलम, तो दूसरा रो का चौथा कलम क्या है 12 है, तो इसका 12 हो जाएगा और ये 23 है, यानी कि दूसरा रो और तीसरा कलम, दूसरा रो का तीसरा कलम क्या है 5/2 है, 5/2 यही इसका आंसर हो जाएगा टोटल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटिया क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटिया क्या होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए करते क्या है कि जो 24 दिया हुआ है 24 का कितना गुणा है सबको लिख देते हैं। देखिए 24 दिया है, अवयव की संभव कोटिया निकालना है। इसको कितने गुणज के रूप में लिख सकते हैं उसको लिख देंगे तो वहीं इसकी कोटिया हो जाएगा, यानी 1 × 24 लिख सकते हैं, 2 × 12 लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं, इसके बाद 6 × 4 लिख सकते हैं,
एट इंटू थ्री लिख सकते हैं, 12 इंटू टू लिख सकते हैं, और 24 इंटू वन लिख सकते हैं, यानी कि इसकी समकोटि कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में इसकी समकोटि आ जाएगा। अगला दिया है कि यदि इसमें 13 अवयव हो, अवयव इतना 13 है, इसलिए संभव कोटियां। तो इसका गुणज क्या हो सकता है, 1 × 13 हो सकता है और 13 × 1 हो सकता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बनाया वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक 2 × 2 अव्यूह ए स्क्वायर टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी अवयव इस प्रकार से दिया हुआ, एक नंबर में ए जे स्क्वायर टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, दोनों और दिया है ए आई जे स्क्वायर टू आई बट्टा जे, और तीन नंबर दिया है ए आई जे स्क्वायर टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसका सॉल्व देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अव्यूह जो खींचना है 2 × 2 का खींचना है, और तो मान लेते हैं कि माना कि ए स्क्वायर टू 2 × 2 का होना चाहिए, तो ए 11 ए 12 फिर ए 21 और ए 22, यानी इस प्रकार से अव्यूह की रचना कर देना है। तो इस सबका मान इसमें बारी बारी से रखकर निकालेंगे। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए आई जे स्क्वायर टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, इसलिए ए 11 का मान निकालेंगे, आई का मान 1 है और जे का मान भी 1 है, तो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, इसको जोड़ेंगे तो एक एक क्या होगा, 2 होगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 / 2 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो इसका मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार ए 12 का मान निकालेंगे, तो आई का मान 1 होगा और जे का मान 2 होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 × 3 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9/2। ये 21 का निकालेंगे, i का मान 2 हो जाएगा और j का मान 1 होगा, तो 2 + 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और y में 2 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 × 2 = 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे ए 22 का मान, आई का मान 2 और जे का मान भी 2 होगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 × 2 होगा, ये कटेगा तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। अतः अव्यूह ए स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, अव्यूह ए स्क्वायर टू जो ये दिया है ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ए 11 का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 2 लिख देंगे, ए 12 का मान कितना आया है, ए 12 का मान आया है 9/2, तो इसका लिख देंगे 9/2। उसके बाद है ए 21, ए 21 का मान कितना निकल कर आया है, 9/2, इसका भी 9/2 लिख देंगे, और ए 22 है तो ए 22 का मान कितना निकला है, ए 22 का मान निकला है 8, यहाँ पे लिख देंगे 8, और इसमें मैट्रिक्स लगा देंगे,
ये क्या हो गया, 2 into 2 का हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं ये 2 नंबर और 3 नंबर का, आसानी से निकल जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि एक 3 into 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 into 4 अवयव की रचना कर लेते हैं। माना कि ए इज इक्वल टू 3 into 4 करने का मतलब क्या है कि जो एम होगा 3 होगा और एन 4 होगा, यानी इसमें रो 3 होगा और कॉलम 4 होगा। ए 11, ए 12, ए 13, ए 14, ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 31, ए 32, ए 33, ए 34, यही जो होगा हमारा 3 into 4 कोटि का भी हो जाएगा। इसको एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i + j। इसलिए E11 का मान निकालेंगे तो 1/2 होगा और मोड का मोड -3 का -3 i का मतलब 1 होगा और j का मान भी 1 होगा, यानी 3 into 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 का 1/2 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा और 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, माइनस बचेगा परंतु मोड से बाहर निकालते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बच जाएगा। इसी प्रकार ये 12 का मान 1/2 मोड -3 आई का मान 1 और जे का मान 2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 और इसमें से 2 घटेगा तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो 1/2 से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकालते हैं ये 13 का, तो 1/2 मोड -3 into 1 प्लस जे का मान जाएगा 3। 1/2 का 1/2 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा और 3 में 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0 में 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद निकालते हैं ये 14 का मान 1/2 -3 into i का मान 1 हो जाएगा और j का मान 4 होगा, तो प्लस में 4। 1/2 का 1/2 3 में -3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3 होगा और -3 में 4 घटाएंगे तो प्लस में 1 बचेगा। इससे 1/2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 होगा। आगे निकालते हैं ये का इसका मान 1/2 -3 का -3 आई का मान इसमें हो जाएगा 2 और जे का मान हो जाएगा 1। 1/2 का 1/2 3 में -3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा और -6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 में 1 से 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। उसके बाद निकालते हैं ये 22 का मान 1/2 का 1/2 -3 i का मान 2 हो जाएगा और j का मान भी 2 होगा। 1/2 -3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6 होगा
और प्लस में 2 है तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4। माइनस में 4 बचेगा अपना, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो 4 होगा, इस 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 में 1 से गुणा होगा तो इसका मान निकल जाएगा 2। इसी प्रकार निकालते हैं ये 23 का मान 1/2 -3 × i का मान 2 होगा और j का मान 3 होगा। 1/2 का 1/2 -3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6 होगा और प्लस में 3 है तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा और 1/2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 24 का मान निकालते हैं तो 1/2 -3 i का मान हो जाएगा 2 और j का मान हो जाएगा 4। 1/2 का 1/2 -3 में 2 से गुणा करेंगे 6 होगा और 6 में से प्लस में 4 है तो घटाएंगे इसको तो बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1। इसके बाद निकालते हैं ये 31 का मान, 1/2 का 1/2 -3 का 3, इसमें आई का मान हो जाएगा 3 और जे का मान हो जाएगा 1। 1/2 का 1/2 × -3 में 3 से गुणा करेंगे तो -9 होगा और 9 में से +1 है तो घटाएंगे तो 8 बचेगा, इसको कटा देंगे तो 4 होगा तो 4 कम 4 हो जाएगा इसका मान। इसी प्रकार ए 32 का मान निकालते हैं यानी ये 32 का मान, तो 1/2 -3 का -3, इसमें आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान होगा 3 और जे का मान हो जाएगा 2। 1/2 का 1/2 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, -9 होगा और +12 तो घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 1 में 7 से होगा तो 7/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निकाल देते हैं मान, ए 35 का मान 1/2 का 1/2 -3 × 3 हो जाएगा आई का मान और जे का मान भी 3 हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस यानी 1/2 3 3 का 9 हो जाएगा, -9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा और 2 से 3 कटा देंगे तो 2 3 6 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 34 का मान निकालते हैं तो 1/2 -3 i का मान हो जाएगा 3 और j का मान हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 का 1/2 3 में 3 से करेंगे 3 3 का 9 -9, -9 में 4 घटेगा तो बचेगा 5, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा मान कितना आ गया, ये सबका मान निकल गया। इसलिए क्या करते हैं इसको इसको निकाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 11 का मान 1 निकला है अतः 11 का मान निकला था 1, ये 12 का मान 1/2 है, ये 13 का मान 0 है, ये 14 है, 14 का मान निकला है 1/2, उसके बाद ये 21 का मान निकला है कितना 5/2, उसके बाद ये 22 का मान निकला है 2, ये 23 का मान निकला है 3/2, ये 24 का मान है 1, उसके बाद ए इकतीस का मान कितना निकला है तो 4 निकला है, उसके बाद ये 32 है, ये 32 का मान कितना निकला है तो 7/2, उसके बाद ये 33, ये 33 का मान कितना निकला है 3, और ये 34 का मान जो निकला है 5/2, यही जो हमारा 3 × 4 40 का भी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसका दो नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही निकालना है इसको भी, इस पे
सब पे रख के आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आए कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अब योग 4 3 x 5 बराबर वाई जेड 1 5। तो ये बराबर क्यों कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पहले बेसिक क्लास में बता चुके हैं। अभी तक जो स्टूडेंट इस बेसिक क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसे क्या कीजिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखकर इसको कंफर्म कीजिए। यानी कि इसमें जो होता है इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। यानी कहने का मतलब कि वाई का मान हो जाएगा 4 और जेड का मान हो जाएगा 3 और एक्स का मान हो जाएगा 1। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2 नंबर, इसके बराबर इसको लिखेंगे परंतु एक्स वाई है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 नंबर सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 6। अभियोग की समानता से होगा, आप लिख लीजिएगा कि अभियोग की समानता से x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद यह है 5 प्लस जेड इक्वल टू, इसका मान यह है 5, तो इसका मान जाएगा 5, इसका आ जाएगा 7। इसको मानेंगे समीकरण 2। उसके बाद है एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखते हैं अब समीकरण 2 से, सबसे पहले 2 को सॉल्व कर देते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है तो जेड का मान निकालेंगे, इसलिए जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा और घटेगा तो यह जाएगा 0। यानी जेड का मान हो गया 0। समीकरण 3 से समीकरण 3 जो है एक्स वाई इक्वल टू 8 है। एक्स या वाई किसी का मान निकाल नहीं आते, या तो एक्स का मान या तो वाई का मान। तो चलिए एक्स का मान यहाँ पे निकाल देते हैं। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 और ये गुणा में तो आएगा तो बट्टे में जाएगा 8 बाई y हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 4। अब x बराबर 8 बट्टा y समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान 1 में रखते हैं। एक समीकरण क्या है कि x प्लस y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। एक्स का मान कितना रखना है, 8 बट्टा y प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। या इसका एलसीएम लेंगे 1 लगाकर तो यहाँ पे y होगा, y से y एक बार में कटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 का 8 और 1 यहाँ पे तो y से इसमें गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 6 का 6 होगा। 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 प्लस y स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा और y से 6 में करेंगे तो 6y हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, सजा कर इसको लिख देते हैं y स्क्वायर। इसको लाएंगे तो माइनस में होगा 6y और प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिखेंगे और बराबर में 0 का 0। ये जो है समीकरण के रूप में ये भी हो गया और इसको गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 8 हो और जोड़ने घटाने पे 6 हो। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आसानी से लिख देते हैं -2y और -4y। माइनस लिखते हैं कि माइनस
माइनस गुणा करेंगे तो प्लस रहेंगे, आप प्लस ले सकते हैं और जोड़ेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, और प्लस में आठ है तो आठ लिखेंगे बराबर में जीरो का जीरो। या इसमें कॉमन क्या होगा, वाई कॉमन हो जाएगा तो वाई माइनस टू बचेगा, और इसमें कॉमन होगा माइनस चार तो बचेगा क्या, वाई माइनस टू बच जाएगा इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, वाई माइनस टू दोनों में शामिल है तो वाई माइनस टू कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इस दोनों के बराबर जीरो कर देंगे, वाई इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कमा वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए वाई इक्वल टू टू हो जाएगा और वाई इक्वल टू फोर हो जाएगा, यानी वाई के मान इसे कितना निकल रहा है, दो निकल रहा है। अतः एक्स स्क्वायर अब या तो नहीं लिखेंगे पुनः, वाई स्क्वायर टू टू दो समीकरण चार में अपने को समीकरण चार ही है, वाई स्क्वायर टू दो रखेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर टू एट बट्टा वाई का मान कितना रखना है, दो रखना है, ये कट जाएगा कितना, दो चौक आठ होता है तो चार बचेगा, तथा वाई इक्वल टू फोर निकला है तो फोर समीकरण चार में रखने पर जब चार रखेंगे समीकरण चार में तो एक्स बराबर आठ बट्टा वाई का मान कितना चार रखना है तो बट्टा में चार होगा, ये कटेगा तो चार गुना आठ है, इसका मान जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर टू टू होगा तो वाई स्क्वायर टू कितना होगा फोर, वाई स्क्वायर टू फोर और जेड स्क्वायर टू जीरो होगा, जब एक्स स्क्वायर टू फोर हो निकलेगा तो वाई स्क्वायर टू टू होगा और जेड स्क्वायर टू जीरो हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ये भी क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएंगे। अब देखते हैं इसका तीन नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर के लिए भी एक समीकरण के रूप में है तो इसको अभी की समानता से लिखेंगे तो क्या होगा, वो बराबर होगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, और एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा फाइव, यह हो जाएगा समीकरण दो, और वाई प्लस जेड हो जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा सेवन, यह हो जाएगा समीकरण तीन। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स प्लस जेड दिया और वाई प्लस जेड दिया, तो दोनों में से किसी भी समीकरण का मान एक में रख देंगे, एक का मान निकलेगा। क्या करते हैं, अब समीकरण एक में समीकरण दो का मान रख देंगे, एक समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन है और दो में x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड को एक साथ कर लेते हैं और प्लस में y का y कर लेते हैं, इक्वल टू नाइन है तो नाइन, और x प्लस जेड समीकरण दो से है, x प्लस जेड का मान कितना है फाइव है, तो फाइव प्लस वाई इक्वल टू नाइन हो जाएगा, या इसलिए y इक्वल टू ये नाइन इधर आएगा तो माइनस होगा तो नाइन माइनस फाइव बढ़ेगा तो फोर हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा फोर। अब वाई का मान समीकरण थ्री में रख देते हैं, वाई का मान समीकरण तीन में रखने तीन ही क्या है, वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन है, वाई का मान रखना है कितना फोर रखना है तो फोर प्लस जेड इक्वल टू सेवन हो जाएगा, तो वाई का मान निकालेंगे तो चार इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये जेड का मान निकालेंगे तो माइनस होगा तो
चार में, सात में चार कटेगा तो बचेगा तीन। अब क्या करते हैं कि y और z का मान समीकरण एक में रख देते हैं, अब y और z का मान समीकरण एक में रखना, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन है, x का x रहेगा, y का मान कितना निकला, y का मान निकला है फोर, यहाँ पे रखेंगे फोर, और z का मान कितना निकला है, z का मान थ्री, थ्री रखेंगे इक्वल टू नाइन, x का x होगा और चार में तीन जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा बराबर में नौ, इसलिए x बराबर यहाँ नौ है सात को इधर हो जाएगा तो माइनस होगा, तो नौ में सात कटेगा तो दो हो जाएगा, अतः एक्स इक्वल टू दो, वाई इक्वल टू फोर और जेड इक्वल टू थ्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ ये भी आसानी से समझ गए होंगे आप लोग।